आश्वासन मिळत नसल्याने रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाने भाजपशी आजमेवणी करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे। या संदर्भातील बोलणी करण्यासाठी रामविलास पासवान यांचे पुत्र आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे संसदीय समितीचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांची भेट घेतल्याचं समजतंय। आगामी निवडणुकांसाठी भाजप आणि लोक जनशक्ती पक्ष यांच्यातील युतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती पक्षाचे खासदार सूरजभान सिंग यांनी रविवारी झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीनंतर दिली आहे। भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी मात्र रामविलास पासवान यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आला नसल्याचं म्हटलंय, पण त्यांच्याकडून असा कोणताही प्रस्ताव आल्यास आम्ही नक्की विचार करू असं सुशीलकुमार मोदींनी म्हटलंय। काँग्रेस सीबीआय चौकशीची धमकी देत लोक जनशक्ती पक्षाला धाकात ठेवण्याचा प्रयत्न करतंय। हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर नेता को यहाँ पे अपनी बातों को रखने का पूरा हक है, और यही वजह है कि हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला रहे हैं, क्योंकि नेताओं में डेफिनेटली डिस्ट्रेस है, क्योंकि गठबंधन को लेके कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है बहुत समय से, और यही वजह है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसमें भविष्य की रणनीति पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। जब तक हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एक राय नहीं बनती कि हमें कोई वैकल्पिक गठबंधन की तरफ जाना चाहिए, तब तक इन बातों पे कोई चर्चा नहीं हो रही। इतना पता है कि चुनाव सर पर है और बहुत जरूरी है आपके कैडर्स के लिए, आपके वोटर्स के लिए, आपके आपके पदाधिकारियों के लिए कि ये क्लैरिटी हो कि गठबंधन ने कौन सा रूप लिया है, और वो क्लैरिटी ना आने की वजह से ही पार्टी में एक डिस्ट्रेस है। देखिए, हर बात का एक राजनीतिक मतलब हो वो जरूरी नहीं है। फैक्ट है कि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है, तो अब ये कोई चर्चा का विषय नहीं है कि उनके ऊपर दंगों के दाग हैं या नहीं है। 2002 में रामविलास जी ने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था और कहा था कि जो गुजरात में दंगा हुआ उसके लिए मोदी दोषी हैं और उनके सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। अगर आज उनके साथ या उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुखद घटना होगी इस देश की राजनीति की। एलजेपी के तो जो हेड है उनका नेक्स्ट मैन जो है वो तो बातें दुविधा वाली का, तो उनका गठबंधन तो कांग्रेस आरजेडी और एलजेपी का था, वो पहले भी था, अब वो कहाँ और कैसे जा रहे हैं वो तो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी है, तो इसलिए उसमें कुछ है और ना जनता दल को इससे कोई फर्क पड़ता है। ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कळघमच्या नेत्या